नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि जब आपका बच्चा गर्भ में होता है तब वो पॉटी खा लेता है या तो पॉटी वाला पानी पी लेता है, जो कि किस कारण से होता है, आपकी किन गलतियों के कारण बच्चा ये हरकतें करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये जानते हैं आपका बच्चा पॉटी वाला पानी कब पीता है। जब आपकी प्रेगनेंसी का 40 वीक कंप्लीट हो जाता है या तो कंप्लीट होकर स्टार्ट हो जाता है, उसी समय ऐसा समय आता है कि जब आपका बच्चा पॉटी वाला पानी पी लेता है, जिसका कारण ये होता है कि आपका प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करता है, जिससे कि आपके बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, ब्लड का सप्लाई नहीं होता है और आपका बच्चा तनाव में आ जाता है, उसको साथ ही पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण आपका बच्चा पॉटी वाला पानी पी लेता है, जिसके कारण आपको भी नुकसान होता है और आपके बच्चे को नुकसान होता है। ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी में 48 वीक में ही आपका बच्चा पॉटी वाला पानी पिए, 40 वीक में भी आपका बच्चा पॉटी वाला पानी पी लेता है, जिससे कि आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। जानते हैं बच्चा पॉटी वाला पानी कब पीता है। जब आपको प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है या तो आपको कोई भी और तरीके की बीमारी होती है, जिससे कि आपको तनाव होता है, जिसके कारण आपके बच्चे को भी नाव रहता है, आपका बच्चे का अच्छे से सेहत नहीं बन पाता है, विकास ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम होती है। आपको इससे बचने के लिए आपको समय समय पर एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने पोषण का सही ध्यान देना चाहिए और आपको प्रेगनेंसी में किसी प्रकार से भी बीमारी है या तो तकलीफ है उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में तनाव लेना। अगर आप प्रेगनेंसी में ज़्यादातर तनाव लेते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को जो आपका तनाव का हार्मोन होता है वो गर्भनाल के द्वारा पहुंच जाता है, जिससे कि आपका बच्चा पॉटी कर देता है या तो पॉटी वाला पानी पी लेता है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि आपको प्रेगनेंसी के समय कोई भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहना चाहिए। रिलैक्स रहने के लिए आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। इसके बाद कारण है संक्रमण के कारण। अगर आपको प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा संक्रमण है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, वाइट डिस्चार्ज से स्मेल आ रहा है या तो कोई भी तरीका से और संक्रमण हो गया है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है, इसे ज़्यादा दिन तक रोक कर नहीं रखना है। अगर प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा तनाव होता है, जिसके कारण आपके बच्चे को भी तनाव होता है और तनाव के कारण ही आपका बच्चा आपके गर्भ में पॉटी कर देता है, जिससे कि आपका बच्चा पॉटी वाला पानी पी लेता है और आपके बच्चे को नुकसान होता है। इसके बाद है आपका बच्चा अगर गर्भनाल में फंस जाता है तब भी तनाव के कारण पॉटी कर देता है। अगर आप कोई भी काम झटके से कर रही हैं तो ये करना बंद कर दीजिए। ज़्यादा झुकना, झुक कर पोछा लगाना, झटके से उठना, झटके से बैठना या तो अंगड़ाइयाँ लेना, कोई भी तरीका से काम अगर आप झटके से करती हैं तो ये करना बंद कर दीजिए। अगर आपका बच्चा गर्भनाल में फंस जाता है तो जिसके कारण आपका बच्चा तनाव में आकर पोटी कर देता है, आपको बिल्कुल भी तनाव में नहीं आना है, ना ही कोई भी काम झटके से करना है। दोस्तों प्रेगनेंसी में आपका बच्चा कई बार गर्भनाल में फंस जाता है, कई बार निकल जाता है, लेकिन आपका बच्चा जब बुरी तरीके से गर्भनाल में फंसता है तब वो अपने आप को तनाव में महसूस करता है, जिसके कारण वो पॉटी कर देता है। अगर आपका बच्चा गर्भनाल में फंस गया है तो आपको अल्ट्रासाउंड चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चा ठीक है या नहीं इसकी जानकारी आपको मिल जाती है, साथ ही आपके गर्भ में कितना पानी है इसकी जानकारी भी मिल
मिल जाती है। दोस्तों ये जो एमनियोटिक फ्लूड होता है, जो आपका गर्भ का पानी होता है, उसका आपके गर्भ में ज़्यादा मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये आपके बॉडी में कम होता है, आप पानी कम पीते हैं, पेय पदार्थों का सेवन कम करते हैं, जिससे कि आपके बच्चे का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण भी आपका बच्चा तनाव में आ सकता है और पॉटी कर सकता है। आपको सही समय में पानी पीना है और पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा तरीके से करना है। नेक्स्ट है, कुछ गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान धूम्रपान का सेवन करते हैं, जिसमें वो सिगरेट, गुटखा, शराब जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिसके कारण भी बच्चे गर्भ में पॉटी कर देते हैं और आपके बच्चे का सही ढंग से विकास नहीं होता है। साथ ही कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती है जो अपने डाइट चार्ट का फॉलो नहीं करती है, सही चीज़ों का सेवन नहीं करती है, जिससे कि आपका बच्चा अविकसित रहते हैं, उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी आपका बच्चा गर्भ में पॉटी कर देता है और पॉटी वाला पानी पी लेता है। दोस्तों 40 वीक के बाद ही आपका प्लेसेंटा कमज़ोर होता है, जिसके बाद आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ब्लीडिंग हो सकता है, आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, नाभि के नीचे भी दर्द हो सकता है। ऐसा अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बुखार हो जाता है तो आपको रोक कर नहीं रखना है, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना फीवर को रोक कर रख देते हैं, जिससे कि आपका बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आपको प्रेगनेंसी में ऐसी कोई भी तरह का सी तकलीफ हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए। अब जानते हैं कि आपका बच्चा गर्भ में पॉटी कर दिया है या तो पॉटी वाला पानी पी लिया है तो आपको क्या क्या संकेत मिलता है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा गर्भ में खतरे में है। सबसे पहला संकेत है जब आपका बच्चे का मूवमेंट अच्छे से हो रहा होता है, उसके बाद अचानक कम हो जाता है या तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा परेशान करता है या तो कीक मारता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा जब तनाव में होता है तभी ये सारी हरकतें करता है। दूसरा है, जब आप अल्ट्रासाउंड चेकअप कराते हैं और आपके गर्भ में ठीक से पानी नहीं होता है, पानी की कमी होती है, तो डॉक्टर जैसे जैसे बोलते हैं आपको उसी के अनुसार करना चाहिए। या तो आपके बच्चे का गर्भनाल फंस सकता है या तो आपको गर्भाशय में पानी की कमी हो सकती है, जिसके कारण आपके बच्चे को तनाव हो सकता है और गर्भ में पॉटी या तो पॉटी वाला पानी पी सकता है। तीसरा है, कुछ गर्भवती महिलाओं को लेबर पेन आता है, उसके बाद पानी की थैली फटती है, और कुछ गर्भवती महिलाओं को लेबर पेन आने से पहले ही पानी की थैली फट जाती है। जब पानी की थैली फटती है और वो ग्रीन कलर का आ रहा है या तो ब्लैक कलर का आ रहा है, तो ये आपको संकेत देता है कि आपके बच्चे ने पॉटी वाला पानी पी लिया है या गर्भ में पॉटी कर लिया है। अगर आपके गर्भनाल से जो पानी निकलता है वो हल्का पीला कलर है तो आपको दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, आपका बच्चा सेफ है और स्वस्थ है कि बच्चे ने पॉटी वाला पानी नहीं पिया है। चौथा है, जब आप अल्ट्रासाउंड चेकअप कराते हैं उसमें आपके बच्चे का हार्ट बीट सही नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। ऐसे में आपका बच्चा गर्भनाल में फंस सकता है, पॉटी कर सकता है, पॉटी वाला पानी पी सकता है। दोस्तों ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका गर्भ में आपका बच्चा सेफ है या नहीं, पॉटी वाला पानी पिया है या नहीं। दोस्तों प्रेगनेंसी में आपको कोई भी तरीके की बीमारी है या तो प्रेगनेंसी में आपको कोई भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, उनके अनुसार मेडिसिन को लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।